तो दोस्तों आइए आज हम आपको दिखाएंगे कि स्क्रू कैसे रोटेट करता है, स्क्रू कैसे कनेक्टेड होता है मोटर से और कैसे वो रोटेट करता है। तो ये टोशिबा मशीन है जैसा कि आप देख रहे हो। तो यहाँ इसके अंदर जो स्क्रू होता है वो मैं दिखाऊंगा कैसे प्लास्टिफिकेशन के टाइम, मतलब प्लास्टिसाइज होता मटेरियल तब कैसे रोटेट करता है जब मेल्ट होता, और उसके बाद इंजेक्शन के टाइम कैसे वो आगे पीछे करता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये आप सेक्शन देख रहे हो, ये जो मोटर के साथ कनेक्टेड है जो सिल्वर कलर का, ये है हमारा स्क्रू। अब हम बात करने वाले हैं, हम आपको दिखाएंगे डायरेक्टली कि स्क्रू कैसे रोटेट करता है एट अ टाइम ऑफ प्लास्टिफिकेशन। अभी आप देखोगे कि ये स्क्रू जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मतलब मोटर जो है हमारी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा, तो उसी से स्क्रू हमारा कनेक्ट है तो स्क्रू भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। जितना अमाउंट अभी मटेरियल हमने डाल रखा है उस हिसाब से ये रोटेट करेगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो लीनियरली पीछे आ जाएगा, मतलब बिना रोटेट हुए वो पीछे आ जाएगा जैसा कि सक बैक फंक्शन करता है। अभी आप देख रहे हो, अभी चार्जिंग हम ले रहे हैं, मैनुअल चार्जिंग कर रहे हैं, तो आप देखिए कि स्क्रू रोटेट होता हुआ प्लास्टिसाइज करा रहा, मतलब कि हॉपर से बैरल में मटेरियल लेके जा रहा है और उसके साथ साथ प्लास्टिफिकेशन भी स्टार्ट है। तो स्क्रू धीरे धीरे करके पीछे घूमता हुआ आएगा, रोटेट करता हुआ आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। तो आप देख सकते हो कैसे ये रोटेट हो रहा है। जैसे ही जैसे हमने 50 mm 60 mm मटेरियल डाला, तो जब उतना mm कंप्लीट हो जाएगा तो स्क्रू हमारा उसके बाद लीनियरली आएगा, थोड़ा सा सक बैक लेगा, उसके बाद वो स्क्रू सीधा पीछे आ जाएगा बिना मूवमेंट के। अभी आप देख रहे हो, अब अगर इंजेक्शन कराते हैं तो स्क्रू हमारा सीधा जाता है विदाउट एनी रोटेशन, बिना किसी रोटेशन के, बिना रोटेट हुए वो सीधे जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा स्क्रू का फंक्शन, स्क्रू कैसे फंक्शन करता है। उसके बाद आप ये देख रहे हो, ये टोशिबा मशीन की PLC है, काफ़ी सिंपल है। चार्जिंग के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि चार्जिंग बटन होती है और उसके साथ साथ इंजेक्शन के लिए इंजेक्शन का सिस्टम होता है, मतलब पर्ज कराना हो या उसके लिए।